ऑल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली के समापन होने पर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे और यहां उन्होंने 25 करोड़ की लागत से बनने वाले प्राशनिक भवन के लिए भूमि पूजन किया है। और मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस ऋषिकेश ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है और इस विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा कोर्स उपलब्ध कराए जाएं और इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रशासनिक भवन का निर्माण होने के बाद LLB, BCA और BBS जैसे कई कोर्स शुरू किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि योजना सरकार ने इसके लिए बना ली है और जिससे शहर ही नहीं बल्कि आसपास के युवाओं को भी अनगिनत कोर्स करने का मौका मिलेगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेम नगर आश्रम में ही डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बास्केटबॉल इनविटेशन टूर्नामेंट के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग किया है। और इस मौके पर ही रानीपुर विधायक आदेश चौहान के अनुरोध पर ही हरिद्वार में जगह चिन्हित करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। तो कार्यक्रम को ही संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के कई राज्यों से आए हुए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन किया है और रजिस्ट्रिक भी बास्केटबॉल और इसके साथ ही एसोसिएशन हरिद्वार के इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा है कि इस तरह की प्रतियोगिता उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इससे भी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरकर ही सीधे ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल पर ही कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और साथ ही उनको एक ओपन जीप में बैठाकर ऋषिकेश के डिग्री कॉलेज पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय के लिए पूरे शहर में रोड शो किया। और इस दौरान ही विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की लड़ाई अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी लड़ेंगे। और वहीं हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने ही बर्खास्त कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार 228 कर्मचारियों की बर्खास्ती को वापस ले नहीं तो वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर सरकार ने के साथ अन्याय किया है जो असंवैधानिक भी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत निश्चित है। हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने हरिद्वार में ही बनने जा रहे हर की पेड़ी और कॉरिडोर को भी गलत ठहराया है और कहा है कि देवभूमि का स्वरूप बना रहना चाहिए। आपको बताते चले कि सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता है। 1 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है। ये हमारी संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको ले नहीं गए हैं पूरी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटिशन बनाएंगे। परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसको खुद बदल कर सारे लोगों को जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए। पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एप्पल मिशन के तहत कुराली गांव में जिला उद्यान विभाग की ओर से 500 सेब के पौधे दिल्ली से लौटे और प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दे दिए हैं और ताकि सेब बागवानी को जिले में बढ़ावा मिल सके और वहीं प्रवासी भी गांव लौटकर बंजर खेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आबाद कर सके। और इस दौरान ही गढ़वाल सांसद द्वारा कई गाँव के अन्य ग्रामीणों को भी सेब और कीवी के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने पौड़ी दौरे को ही
सबदर खाल और इसके साथ ही घुड़धौड़ी में ही पहुंचकर जनसंपर्क अभियान भी चलाया है और कहा है कि विकास योजनाओं के बूथ स्तर तक पहुंचना और आम बजट का जनहित में आना 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें और पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। और यही बता दें आपको कि इस दौरान ही दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी ने बताया है कि उनके द्वारा गाँव में ही कई हाउस लगाकर ही बंजर भूमि के आबाद करने का भी काम किया जा रहा है और आज उन्हें 500 सेब के पौधे भी उद्यान विभाग द्वारा दिए गए हैं जिन्हें वो इन बंजर भूमि में लगाकर एक बार फिर से इस भूमि को आबाद करने का काम करेंगे। आज डिप्रेक से चला हूँ, कल मैं टेरी की तरफ था, परसों दो दिन रामनगर था, आज भी मैं डिप्रेक से कार्यक्रम और सबदर खाल में भी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना वहाँ भी एक हो रहा, जगह जगह उनका एक स्वागत और इस तरह के भी रहा, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। एक आगे फिर क्षेत्र में गांव कुराली में वहाँ एक उद्यानिकी विभाग और वहाँ एक हमारे आनंद जी, तो उनकी तरफ वानिकी की तरह ऐसे अब सेब का बगीचा तैयार 500 पेड़ आज लगाने जा रहे हैं। इतना नहीं तो उनका आपका कार्यक्रम था विधायक जी, क्या था? आज विकास खंड कोट के अंतर्गत कुराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एपल मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग लेकर और अपने अपना जो उनका अपना अपने तरफ से जो आर्थिक सहयोग रहा होगा। जनपद पौड़ी जिले के ही थाना घुमाकोट पुलिस ने ही 85 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और तस्करी में प्रयुक्त कार को भी सीज कर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बताते चले आपको कि SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया है कि सिमड़ी पुलिस चेक पोस्ट धुमाकोट के पास ही एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया और इस दौरान ही कार में 85 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया गया है और वहीं आरोपी की पहचान रणवीर सिंह निवासी वार्ड नंबर 15 मोहल्ला काजीपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह सनोज नेगी नाम के लड़के से गांजा खरीद कर लाया है और SSP पौड़ी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में धुमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी तो कल थाना प्रभारी धुमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा जिसकी बाजार की कीमत 13 लाख आंकी गई है वो बरामद किया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह मालवा सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था। जो भी तथ्य इंटरोगेशन के दौरान मिले हैं उनको विवेचना में सम्मिलित। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्ण नगर कॉलोनी के ही तिराहे पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है और जिसके सिर में गोली लगी हुई है। शव के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रविवार की रात स्थानीय युवक ने पुलिस को सूचना दी कि IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्ण नगर कॉलोनी के तिराहे पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है और सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस पहुंची और जिसके बाद फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है। हरिद्वार के पंजपुरी गढ़मीरपुर में ही हजरत इमाम हुसैन की योमे पैदाइश विलादत की खुशी में ही हुआ है और 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें जिसमें मुस्लिमों के तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन और की योमे पैदाइश विलादत को ही पंचपुरी गढ़मीरपुर में ही 3 दिवसीय उर्स के साथ ही धूमधाम से मनाया गया है और मुख्य आयोजन महफिल नूर के नाम से गढ़मीरपुर में मौजूद करबला में हुआ है और इसमें कई प्रदेशों के कई मशहूर शायरों और इसके साथ ही उलेमाओं मौलाना ने शिरकत कर इमाम हुसैन की शान में कलाम और कसीदे के पेश किया। इस रोजे अथर पर हजरत इमाम हुसैन के रोजे पर तमाम दूर दराज से आने वाले जायरीन ज़ारत के लिए भी आए हैं और मखसूस तरीके से हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर बारसी साहब
जो बयानात के लिए तशरीफ़ लाए हैं उनके बयानात के सुनने के लिए आए हुए हैं और उनके बयानात से अपने दिल को अपने कुलूब को मनवर मुजल्ला फरमाते हैं। हम अपनी बस्ती से और अहले इस्लाम से आशिकाने अहले बैत अत्थार से मौद्दिबाना दरख्वास्त भी करते हैं कि वो इस जश्न में आकर अपने कुलूब को और बयानात से अपने कुलूब को मनवर मुजल्ला अता फरमाएं और अपने मुल्क के लिए इस रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर खैर आफियत की दुआएं मांगें। चले रुक करते अगली खबर की ओर। पौड़ी पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाने का लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान ही 85 किलो अवैध गंजे के स्विफ्ट डिजायर कार में ही परिवहन करते हुए एक अभियुक्त को सिमड़ी पुलिस चेक पोस्ट धुमाकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल का निवासी बताया जा रहा है। और इस दौरान ही आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया है कि क्षेत्र में लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही है और जिसको देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है। एक स्विफ्ट डिजायर से ही 85 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। अभियुक्त सरायखेत जनपद अल्मोड़ा से खरीदकर ऊंचे दामों में ही बेचने के लिए मुरादाबाद ले जाकर बेचता है और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में और जुट गई है। उत्तरकाशी के ग्लेशियर लैडी शांति ठाकुर ने ही हिमालय क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन पर एक फिर से हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बार सर्दियों में बारिश और होने पर ही ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुँच रहा है और हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित निर्माण से पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज फरवरी माह में खत्म होने के बाद कई क्षेत्र में बर्फबारी नहीं हुई है। और इस दौरान उन्होंने लद्दाख के ही पर्यावरणविद और इसके साथ ही इंजीनियर सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी समर्थन किया। पूरी हमारे जो हिमालय की सतह बनी रहे, अभी आप देख रहे हैं दिसंबर पूरा चले गया था और जनवरी पूरी चली गई, फरवरी पूरी चली गई, लेकिन आज जो है ना पूरा हिमालय जो है ना बर्फहीन है। उसका कारण एक ही है क्योंकि हिमालय को हमने जो है बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। हिमालय को हम जो चाह रहे हैं कि कितना हम दोहन करें, तो ये आज आने वाले वक्त के लिए जो है ना आप लोग देखते हैं कि आज पीने का पानी मात्र 2% है पूरे विश्व में, ओनली 2% पीने का पानी। उसमें जो है ना कब तक जिएंगे इंसान, वो 2% कहाँ से आता है, ग्लेशियरों से आता है और कुछ जो है ना बरसात में जो है हमारे स्रोत आते थे, लेकिन अब जो है बरसात भी आएगी तो बहा के ले जाएगी। और लेकिन जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, जो हमारे जो है ना बैंक हुआ करते थे, आज ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद के ही डुंडा ब्लॉक के सबसे बड़े गांव सिरी कोनगढ़ के लोगों ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत ग्रामवासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान जीतम रावत और इसके साथ ही महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और ग्रामवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया और साथ ही शादी विवाह और इसके साथ ही चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया गया और जिसके अंतर्गत कोई भी परिवार या व्यक्ति की विशेष अपने घर के शादी विवाह और चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में ही शराब नहीं वितरित करेगा तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा। आज ग्राम पंचायत श्री में एक अहम बैठक बुलाया गया था जिसमें महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, ग्राम सभा के नौजवान साथी, सम्मानित लोग आज बैठक में प्रतिभाग किया है। बैठक में ये फैसला लिया गया था कि ग्राम में शादी विवाह चूड़ाक्रम आदि कार्यक्रमों में शराब पर प्रतिबंध करेंगे। जो भी व्यक्ति या परिवार ग्राम सभा में शराब लाएगा और गांव को वितरित करेगा उस पर 51,000 रुपया दंडित किया जाएगा तथा ग्राम सभा का ये कहना है कि उनकी शादी में या उनका कोई भी कार्यक्रम हो उनकी शादी में ग्रामवासी कोई नहीं जाए।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर में जमीन के सर्किल रेंटों से ही अत्यधिक वृद्धि से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, जिसका बसपा के अधिवक्ताओं के आंदोलन को ही समर्थन किया गया है। और इस दौरान ही अधिवक्ताओं ने 210 LR एक्ट के ही मामलों को SDM कोर्ट में वापस भेजने और सर्किल रेट के कम होने तक का आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। बसपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल कार्यकर्ताओं के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के समर्थन में सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि आम जनता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों को लेकर सरकार द्वारा कभी जिला प्राधिकरण, कभी नक्शा और कभी सर्किल दरों में ही अत्यधिक वृद्धि की गई है। ऐसा है, ये हमारा प्रदर्शन जो है 13 फरवरी से लगातार जारी है आज तक। ये हम किस लिए बैठे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक दाखिल खारिज होता है जो उसके LR एक्ट के अंतर्गत 210 की अपील होती है। दाखिल खारिज को यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, कोई आपत्ति होती है तो उसकी अपील के लिए हम उपजिलाधिकारी कोर्ट जाते थे। देखिएगा, हमारी मांग हमने 3 दिन पहले ही समर्थन दिया था। हमारे लोकसभा के प्रभारी सतपाल सिंह बल, हमें महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल, महासचिव हमारे आफ्ताब आलम, कोष अध्यक्ष हमारे कमर अब्बास, संगठन मंत्री और हमारे सचिव गौरव जाटव जी, पूरी टीम के साथ हमारा जो है हमने यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, यहाँ आके हमने समर्थन दिया और हमने मांग की है सरकार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ TC के निर्देशन में ही नगर क्षेत्र में हो रही चोरियों के खुलासे के लिए पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द नगर क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करें। और इसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 5 दिन पहले ही हुई लाखों की चोरी का मामला खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को ही गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी का कई धाराओं में ही चालान कर उसे न्यायालय में समक्ष पेश भी किया है और इसके आपको बता दें जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये 25 फरवरी को कटुदाल चौकी क्षेत्र से एक घर बंद घर से जहां ताला लगा हुआ था, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, वहां से एक घर में घुस के चोरी हुई थी। इसमें जेवरात गए थे और सामान गया था, कपड़े वगैरह गए थे, तो इसमें मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के जस्ट 2 दिन बाद यानी कल हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। हमारे द्वारा हमारी टीम में परिहार, धीरेन्द्र परिहार दरोगा जी और दीपक जोशी मधुबन चौकी में इन लोगों के माध्यम से टीम बनाई गई। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोरी जो है वो लगातार होती जा रही है और आपको बता दें कि घटना को अंजाम देकर चोर जो है मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला ही बहादुराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर का है, जहां से एक चोर ने ही बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया और ये सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल हरिद्वार में ही सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में ही PF संबंधी दिक्कत और इसके साथ ही परेशानियों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें PF कमिश्नर उत्तराखंड ने ही शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है। और जिसके पश्चात ही कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सिडकुल हरिद्वार के औद्योगिक इकाइयों के HR के द्वारा ही PF संबंधित कई समस्याएं और PF कमिश्नर के सामने रखी गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से PF में ऑनलाइन डाटा को लेकर समस्याओं के विषय में अवगत कराया गया है। PF से रिलेटेड जो भी समस्याएं इंडस्ट्रीज को आ रही हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, वो सारी समस्याओं के बारे में आज ये कॉन्क्लेव रखा गया है और इसमें हमारे कुछ सजेशंस हैं PF डिपार्टमेंट के लिए। अभी जो जैसे मुझे बताया गया कि पेंशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे, वी विल डिस्कस दिस थिंग। और हर एक सदस्य की या किसी भी कंपनी की अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं PF से जुड़ी हुई, जनरली जैसे नेम चेंज वाली हो सकती है, PF का भुगतान। यूं तो भारतीय सेना बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए हरदम दुश्मन का सीना चीरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे जो भी जगह हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जवान हर दम तैयार खड़े रहते हैं, जिसके कारण आज कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने की हिम्मत करता है, क्योंकि ये जवान अपना हर पल देश के लिए जीने और मरने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। पर अपनी सैन्य ड्यूटी को अलावा भी हमारे रणवीर पशु पक्षियों को भी नया जीवन देने का काम करते हैं,
जिसके अंतर्गत ही समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशुओं की सेवा करने के पीछे नहीं हटते हैं। और इसी कड़ी में ही 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने ही सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखबा गाँव में ही पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुल्लर से मामला सामने आया है, जहां पर गांव के ही पूर्व ग्राम प्रधान नईम अहमद आरोपी पिछले काफी लंबे समय से फरार चल रहा है, जिस पर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। और वहीं पुलिस ने आज वंचित अभियुक्त नईम अहमद पुत्र अशरफ अली को ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं SSI अनिल जोशी ने बताया है कि कोतवाली जसपुर क्षेत्र अंतर्गत नईम अहमद गुल्लर गोजी का रहने वाला है और जिसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत। मुख्य सचिव SS संधू पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रामनगर के ही बिकुली में ही होने वाले G20 समिट को लेकर तैयारियों से संबंध में उन्होंने बैठक की है। बैठक के बाद मुख्य सचिव बाजपुर गटप्पू नया गांव और बेल पड़ाव सहित रामनगर का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।